काफी डिले हो चुका है। अगर कोई ना जुड़ा हो तो मैसेज कर दो जुड़ने के लिए कि दोबारा से सेशन नहीं मिल पाएगा ये। तो आज हम लोग बात करने वाले थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो सब पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन क्लासेस की, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। उसके बाद में हम लोग डिटेल में पूरा सिस्टम वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री की थोड़ा सा जाते हैं कि कौन था एनाटॉमी का फादर। तो एनाटॉमी का फादर ऑफ एनाटॉमी किसको बोलते हैं? हीरोफिलस को। किसको बोलते हैं? हीरो फिलस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एनाटॉमी। इनको फादर ऑफ एनाटॉमी क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे एक छोटे से हिस्ट्री है कि इन्होंने ही सबसे पहले सिस्टम्स डिस्कवर किए थे। जैसे आप लोग सुनते हो ना कि कार्डियक सिस्टम, ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स, या फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जो भी सिस्टम सुनते हो, इन सारे सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था? हीरोफिलस ने। क्लियर है? तो ये क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके एनाटॉमी में सबसे पहले सबसे बड़ी डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या बताया था कि जो आपकी बॉडी है वो कई सारे सिस्टम्स में डिवाइडेड है। और सबसे पहले आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में बताया था। किसने बताया था? यस, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग जान जाते हैं, वो तो इंटरनेशनल है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी, मतलब इंडिया में सबसे पहले किसने इनमें एनाटॉमिकल, मतलब बॉडी के पार्ट करके एनाटॉमी को डिस्क्राइब किया था। तो वो कौन थे? मधुसूदन गुप्ता पंडित, पंडित मधुसूदन गुप्ता, पंडित मधुसूदन गुप्ता थे जिन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इंडिया में बॉडी को डिसेक्शन करके एनाटॉमिकल पार्ट्स को बताया था, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी। और फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फिजियोलॉजी है क्लाउड बर्नार्ड। क्लाउड बर्नार्ड ने क्या बताया था कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, मींस हमारे जो बॉडी है में ऑर्गन्स होते हैं, सेल होती है, टिश्यू होते हैं, सब कुछ होते हैं, पर वो वर्क कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में किसने डिस्क्राइब किया था? क्लाउड बर्नार्ड, जिनको कि फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल करके पूछेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, यदि मुझे कमेंट दिखता है उसका तो। और यदि कहीं नेटवर्क दिक्कत हो तो उसका भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि एनाटॉमी मीन्स होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी बोलते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। मीन्स एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? बॉडी के पार्ट्स की स्टडी करते हैं। हाँ राघव, पूछ रहे हो कि फादर ऑफ फिजियोलॉजी, ये आपके फादर ऑफ फिजियोलॉजी हैं, इधर साइड्स में मैंने लिख भी रखा हुआ है। कौन है? क्लॉड बर्नार्ड जो है वो आपके फादर ऑफ फिजियोलॉजी हैं। क्लियर? तो फिर से मैं फादर्स के बारे में फिर से बता देता हूँ। आपके जो हीरोफिलस हैं, ये हीरोफिलस जो हैं, ये फादर ऑफ एनाटॉमी हैं। एंड द फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी कौन है? मधुसूदन गुप्ता, पंडित मधुसूदन गुप्ता जो है वो फादर ऑफ क्या है? इंडियन एनाटॉमी। एंड द फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है? क्लॉड बर्नार्ड जो है ये क्या है? फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, अभी अगर एक बात और कर लेते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। मॉडर्न एनाटॉमी का फादर कौन है? तो वो कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी है एंडर्स।
ये आपके, एक सेकेंड, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। एंडर्स जो थे, इनका जन्म 1514 में हुआ था। इन्होंने क्या किया था, जब आपके हीरोफिलस ने बताया था कि बॉडी में, बॉडी कई सारे सिस्टम्स में डिवाइडेड है, इसके बाद में इन्होंने उस सिस्टम के अंदर भी डिस्कवर किया था कि सारे सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, उनका पार्ट बाय पार्ट। जैसे कि कार्डियक सिस्टम में उन्होंने क्या बताया कि हार्ट एक अलग रोल प्ले करता है, उसके साथ में ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको, एक को आर्टरी कहते हैं, दूसरे साइड की ब्लड वेसल्स को वेन कहते हैं, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शंस होता है उसको कैपिलरीज कहते हैं। तो ये पूरा सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी भी बोला जाता है। तो अभी हम लोग आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी एंड व्हाट इज द मीनिंग। आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएंगे। तो वो फादर्स का मैंने साइड में लिख भी रखा है, अगर किसी को नाम समझ में ना आ रहा हो या फिर नेटवर्क दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी बात कर लेते हैं। तो एनाटॉमी, तो जैसा कि मैंने बताया था, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द, बेटा आप राघव क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, आई थिंक कुछ आज मेरे साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ही चल रही है, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में ही दिक्कत आ गई थी, पर फिर भी आप अपना क्वालिटी बढ़ा के देखिए, हो सकता है क्लियर दिखने लगे। क्लियर है? तो अभी हम लोग एनाटॉमी की बात करते हैं। तो एनाटॉमी में क्या करते हैं, हम बॉडी के स्ट्रक्चर की, जैसे कि आपका हार्ट है, हार्ट्स में कितनी लेयर्स होती हैं, कितने चेम्बर्स होते हैं, कितने आर्टरी वहां पे वॉल्स होती हैं, इन सब की स्टडी किसमें करते हैं, हम एनाटॉमी में। मींस बॉडी को काट के, चाहे आप लॉन्गिट्यूडिनल काट लो या फिर ट्रांसवर्स काट लो, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एनाटॉमी में उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद में आपका टर्म आता है दूसरा, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, हाउ डज द बॉडी वर्क। फॉर एग्जाम्पल, योर हार्ट इज पंपिंग, द मेन एक्शन ऑफ हार्ट इज पंप। दिल का मेन काम क्या होता है कि वो पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। तो हमने एनाटॉमी में तो पढ़ लिया कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, उसके अंदर कितनी वॉल्स होती हैं, वो सब पार्ट्स हमने क्या कर लिया, एनाटॉमी में पढ़ लिया, पर वो काम कैसे करता है, हाउ डज हार्ट वर्क। तो हार्ट कैसे काम करता है, कैसे वो इम्पल्स जनरेट करता है, मतलब कैसे वो करंट जनरेट करता है, कैसे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैसे उसके अंदर रिलैक्सेशन होगा, उन सब चीजें के बारे में जो स्टडी हम जिसमें करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों एक साथ ही साथ चलती हैं। पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि किसी भी सिस्टम या फिर किसी ऑर्गन का कैसा स्ट्रक्चर है, फिर वो कैसे उसका काम करता है, उस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, फिजियोलॉजी के में। तो यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो सिंपल सा आपका जवाब होना चाहिए, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मीन्स एनाटॉमी में शरीर के सारी संरचनाओं के बारे में हम स्टडी करते हैं, और फिजियोलॉजी में क्या करते हैं कि तुम्हारे जितना भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। यहां तक क्लियर है? इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, क्योंकि ये इंट्रो की क्लास है, तो इसलिए हम जो मेन मेन चीजें हैं जो आपको मालूम होने चाहिए एनाटॉमी पढ़ने से पहले, उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है,
ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब पूरे एनाटॉमी में होम्योस्टेसिस वर्ड कई बार आएगा और उसका यूज क्या है वो भी मैं भी बता रहा हूं। तो सिंपल सा है कि होम्योस्टेसिस मीन्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक क्या है, ये एक टेबल है और जो किसी भी एक स्टूल के ऊपर रखी हुई है, टेबल का ऊपर पार्ट, ये जब तक सीधा है तब तक क्या है, एक बैलेंस में है। और अगर एक साइड वेट कम होल्ड कर दिया जाए, थोड़ा सा वेट रख दिया जाए, और दूसरे साइड वेट क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये किधर हो, इस साइड को झुक जाएगी, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, डिसबैलेंस आएगा। और यदि हम एक वेट इतने ही वेट का एक वेट इधर रखते हैं तो फिर से क्या हो जाएगी, अपने नॉर्मल कंडीशंस में वापस आ जाएगी टेबल। तो होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है कि बॉडी को एक कंट्रोल्ड, बहुत ही कंट्रोल्ड, एक मिनिमल रेंज के अंदर बना के रखना। बॉडी के अंदर तुम्हारे बहुत सारी मैकेनिज्म होती रहती हैं, बहुत सारी रिएक्शन कंटिन्यूअस होती रहती हैं। यदि वो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए, मतलब कोई भी चीज अचानक से बढ़ जाए, तो क्या होगा, होम्योस्टेसिस नहीं रहेगी, बॉडी के कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है। होम्योस्टेसिस में क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस क्या करती है, आपके बॉडी के जितने भी इम्बैलेंस हो रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करती है। क्लियर है? यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले एक बार, कमेंट करके। मैं कमेंट किसका आया है, शिवानी बेटा, फादर ऑफ एनाटॉमी मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप अभी बैक करके देख लीजिएगा एंड होने के बाद में सेशन। तो अभी हम लोग होम्योस्टेसिस की बात कर लेते हैं कि बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी क्या है, जितनी भी केमिकल, बॉडी बॉडी के अंदर का जो भी इन्वायरमेंट है उसको एक टाइटली रेंज में बना के रखना। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी का हम टेम्परेचर देख लेते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है सबको मालूम है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो होम्योस्टेसिस क्या करती है, आपके बॉडी को 95 से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ही बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। यदि आपका 100.4 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस में डिस्टर्बेंस आएगी, आपके शरीर में फीवर आएगा जो कि एक एबनॉर्मेलिटी होती है। तो होम्योस्टेसिस का क्या काम होता है, जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रूम टेम्परेचर वगैरह, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर वगैरह, पर जो हमारे शरीर के अंदर का एनवायरनमेंट है वो कई सारे चीजों के द्वारा एक टाइटली कंट्रोल्ड लेवल में रखा जाता है। स्टेबल तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल स्टेबल रखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लैक्चुरेशन क्या होता है, होता रहता है। कभी थोड़ा सा हो सकता है कि ये बढ़ जाए और कभी हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, पर होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में क्या होता है, वो इसको हमेशा एक नॉर्मल लेवल में रखने की कोशिश करती है। इसके बाद में अभी होम्योस्टेसिस कैसे आपकी बॉडी को नॉर्मल करती है उसकी हम एक मैकेनिज्म देख लेते हैं, कि उसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पहले बात तो हम कर लेते हैं कि कौन कौन सी मैकेनिज्म आपके बॉडी को कंट्रोल करती है, मतलब बॉडी में होने वाले चेंज को कौन कंट्रोल करती है। तो उसको बोलते, एक को बोलते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एंड एक क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो वो जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ज्यादातर मोस्टली यही आपके बॉडी में यूज होती है। अगर आपका कोई भी पूछा जाए कि आपके हार्मोन कैसे मेंटेन रहते हैं बॉडी में, तो बोलोगे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। स्वेटिंग कैसे होती है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। आपका हार्ट रेट कैसे कंट्रोल रहता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। और आपकी कुछ ही चीजें हैं जो कि जैसे कि लेबर वगैरह, वो मैं आगे बताऊंगा, जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्चुअल में निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है।
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में तीन चीजें आती हैं। पहले तो हम उन चीजों की बात कर लेते हैं। एक आपका आपका आता है कंट्रोल सेंटर, एक आता है आपका इफेक्टर, और एक आता है आपका रिसेप्टर। क्लियर? तो होम्योस्टेसिस मतलब आपके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल रखने के लिए आपके तीन चीजें काम में आती हैं। फर्स्ट वन इज योर कंट्रोल सेंटर, सेकेंड वन इज योर रिसेप्टर, एंड थर्ड वन इज इफेक्टर। तो कंट्रोल सेंटर का क्या काम होता है? इसका मेनली काम होता है कि जो भी आपके बॉडी में डिसबैलेंस हो रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट में, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी डिसबैलेंस हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको क्या करना है? कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल किसके द्वारा कराता है? वो क्या करता है? वो खुद कंट्रोल नहीं करता है। वो क्या करता है? आपके इफेक्टर को आदेश देता है कि जाकर के ये दिक्कत हो रही है, इनबैलेंस ये हो रहा है, इसको नॉर्मल करो। और उसको सिग्नल कहाँ से मिलता है? सिग्नल उसको मिलता है रिसेप्टर के द्वारा। सिंपल सा अगर हम एक साइकिल बना के देखें तो आपका ये कंट्रोल हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? इफेक्टर, और ये आपकी क्या हो गई? बॉडी, जहां पे कोई भी इम्बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे कोई इम्बैलेंस इम्बैलेंस कुछ भी हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है। और फिर क्या होते हैं आपके? रिसेप्टर, एंड फिर ये आपका कहाँ होता है? कंट्रोल सेंटर। तो क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी में कोई चीज कम होती है या कोई चीज ज्यादा होती है, तो आपके बॉडी में हम सबको मालूम है ब्रेन्स ब्रेन है, दिमाग है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो क्या वहां के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में इस चीज की कमी हुई है। तो वो जाकर के जो उसको कंट्रोल करता है उस कमी को, उस कंट्रोल सेंटर को वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कंट्रोल सेंटर में जैसे कंट्रोल सेंटर में वो इंफॉर्मेशन आती है कि हमारी बॉडी में इस चीज की कमी है, वो तुरंत उसको अपने इफेक्टर मतलब जहां से वो कमी पूरी की जा सकती है उस चीज को क्या कर देता है? आदेश देता है, ऑर्डर करता है, और इफेक्टर वर्क करता है बॉडी के ऊपर उस चीज को फिर से बढ़ाने में। जैसे ही वो चीज बढ़ जाती है फिर एक निगेटिव फीडबैक जाता है कि ये चीज बढ़ गई है, अब जो आप रिलीज कर रहे हो, बढ़ाने वाली काम कर रहे हो, उस काम को बंद करो, ज्यादा नहीं बढ़ाओ, नहीं तो बॉडी में जो आप बैलेंस कर रहे हो वो फिर से इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वो किसके द्वारा होता है? आपका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। तो अभी हम लोग बात कर देख लेते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है। तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम देखेंगे, जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर ले लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर मान लिया हमने क्या हो गया? रेज, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया, तो क्या होगा? तो आपके मैंने क्या बोला अभी सबसे पहले कि आपके बॉडी में क्या होते हैं? इफेक्टर, कंट्रोलर एंड डिटेक्टर। जैसे ही आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर, TEM, जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है तो आपके बॉडी के जो नर्व्स एंडिंग हैं, जो इफेक्टर रिसेप्टर्स हैं, वो उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करते हैं? आपके कंट्रोल सेंटर को भेजते हैं, जो आपके डिटेक्टर हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं हम? रिसेप्टर। जो आपके डिटेक्टर या फिर रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं? आपके बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा हुआ है उस चीज को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में वो क्या करते हैं? आपके
कंट्रोल सेंटर को सिग्नल दे देते हैं। किसको सिग्नल दे देते हैं? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करता है? आपके इफेक्टर मतलब हाइपोथैलेमस, आपके टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? अगर हम वेरी क्लियर जाएं तो आपके डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया और वो फिर किसको सिग्नल देंगे? कंट्रोल सेंटर। ठीक है, कंट्रोल सेंटर को देंगे। तो कंट्रोल सेंटर आपके बॉडी में कौन होता है, ब्लड टेम्परेचर को कौन मेंटेन रखता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वो है हाइपोथैलेमस। आपके बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे डिटेक्टर बताते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो उसके तुरंत बाद क्या होता है, आपका वो सिग्नल कहाँ जाता है? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के नर्व सेंडिंग को बताते हैं कि हाँ आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका है। वो क्या करते हैं, फिर इफेक्टर को आदेश देते हैं। किसको? इफेक्टर। अब इफेक्टर कौन से हो जाएंगे? जैसे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, जैसे ही आपके बॉडी का, बहुत अच्छा राघव आपने जवाब दिया कि हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस ही ऐसा ये आंसर है। तो जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, आपका हाइपोथैलेमस ने क्या किया, डिटेक्टर ने उस सिग्नल भेज दिया आपके हाइपोथैलेमस को कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और आपको क्या करना है, इस टेम्परेचर को कम करना है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए अब क्या करेगा, तो वो क्या करता है, इफेक्टर को आदेश देता है। इफेक्टर कैसे है, जैसे कि आपकी बॉडी की हो गई स्वेट ग्लैंड, कौन सी? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होती है? स्वेट ग्लैंड आपके स्किन में पाई जाती हैं, जो कि आपके पसीने को निकालती हैं। क्लियर? तो स्वेट ग्लैंड आपकी क्या होती है, स्किन में। जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, उसने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने स्वेट ग्लैंड को एक्टिव कर दिया। स्वेट ग्लैंड ने क्या किया, आपका पसीना ज्यादा से ज्यादा शरीर से बाहर निकाल दिया। और जब शरीर से पसीना निकलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे पसीना इफेक्टर ने काम किया और बॉडी टेम्परेचर आपके शरीर का क्या हो गया, डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे बॉडी टेम्परेचर कम होता है, ये क्या करता है, एक आपका इनहिबिशन, निगेटिव सिग्नल देता है इनहिबिट करने का। इनहिबिट, इनहिबिट मतलब होता है किसी चीज को कम करना। इनहिबिट में, इनहिबिट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को कम करना। किसी चीज को कम करने को क्या बोलते हैं, इनहिबिट करना। तो ये क्या करता है, जैसे ही आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और आपका डिटेक्टर क्या कर लेता है, फिर से आइडेंटिफाई कर लेता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो चुका है, और ये क्या करता है, आपके हाइपोथैलेमस को फिर से सिग्नल देता है बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, नॉर्मल आ गया, अब और ना रिलीज करो कोई कोई चीज, अब पसीने वाली ग्रंथियों को मतलब स्वेट ग्लैंड्स को बोल दो कि अब शांत हो जाए, आप ज्यादा पसीना ना बहाए, बहुत मेहनत कर चुकी हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड या फिर और भी कई मैकेनिज्म है जिनके द्वारा क्या होता है कि ये बॉडी टेम्परेचर आपका कम होता है। तो उसके बाद में क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर उतने पे ही मेंटेन हो जाता है, लेकिन समय के साथ साथ फिर क्या होता है, कुछ समय बाद आपका बॉडी टेम्परेचर, हो सकता है इन्फेक्शन है या फिर कोई दूसरा कारण है, फिर से आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, रेज हो गया। फिर से क्या हो गया, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, फिर से एक सिग्नल कहां पहुंचा देगा, आपके डिटेक्टर में। क्या करेगा, सिग्नल कहां पहुंचा देगा, आपके डिटेक्टर में, कि आपकी नर्व इंडेक्स तक एक सिग्नल पहुंच जाएगा कि यहां पे फिर से बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ गया है। और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या होगा, फिर से डिटेक्टर क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि भैया बॉडी टेम्परेचर फिर से बढ़ा होगा, वो इफेक्टर को बोलेगा और इफेक्टर क्या करेगा, आपका फिर से स्वेट ग्लैंड्स को ओपन कर देगा और टेम्परेचर फिर से क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कम होगा फिर से एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी कि अब यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर घट गया तो क्या होगा, जैसे बॉडी टेम्परेचर घटता है
तो आपके जो डिटेक्टर हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बॉडी टेम्परेचर कम है। वो क्या करते हैं, आपके कंट्रोल सेंटर मतलब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हो गया। तो हाइपोथैलेमस आपका क्या करता है, इफेक्टर को सिग्नल देता है, इफेक्टर को सिग्नल देता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ। तो उस बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इफेक्टर क्या क्या करेगा, सबसे पहले तो शिवरिंग, क्या करेगा, शिवरिंग। शिवरिंग मीन्स होता है कपकपी, शरीर में कपकपी लगना शुरू हो जाएगा। जब शरीर कपकपाता है, आपका शरीर कांपता है, तो उस समय क्या होता है, आपका फ्रिक्शन होता है आपकी स्किन में और मसल्स में, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा चीज क्या करेगी, आपकी जो आर्टरी है, जो बाहर की मसल्स है, जो हाथ और पैर को ब्लड सप्लाई कर रही है, जो उनमें क्या करेगी, कंस्ट्रिक्शन कर देगी, ताकि वहां ब्लड कम जाए। जब हाथ और पैरों में ब्लड कम जाएगा, तो ब्लड किससे जो है हीट, वो भी कम लॉस होगी। मान लिया आपके हाथ बहुत ठंडे हैं, वहां से लगातार हीट लॉस हो रही, अगर वहां ब्लड की सप्लाई कम कर दी जाए, तो हीट अपने आप ही कम लॉस होने लगेगी, क्लियर। और थर्ड थिंग आप क्या कर सकते हैं, बिहेवियरल चेंज, आप खुद से स्वेटर वगैरह भी पहन सकते हैं, जिससे कि हीट लॉस होने से बच सकती है। तो जैसे ही आपके डिटेक्टर को पता चला कि बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हुआ, उसने क्या किया, हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिया कि भाई बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, इसको बढ़ाओ। तो बढ़ाने के लिए आपका हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इफेक्टर को आदेश देगा, इफेक्टर क्या करेगा, बॉडी में शिवरिंग करेगा, मतलब कपकपी ला देगा, जिससे कि शरीर कांपने लगता है। इसीलिए जब किसी को बुखार आता है, या चाहे वो बॉडी टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब ठंडी जब लग जाती है, तो उस समय क्या करती है, शरीर कांपने लगती है। कांपने से क्या होती है, हमारे शरीर के जितने भी स्किन और मसल्स वगैरह में, उनमें क्या आता है, फ्रिक्शन आता है, रगड़ आती है। उस रगड़ की वजह से क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ में आपका जहां ज्यादा ठंडा पार्ट है, उस समय जैसे कि हाथ और पैर, जहां पे भी, जो इतने शरीर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ब्लड सप्लाई कम कहाँ पे कम करता है, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपका हाथ एक खराब हो जाए, तब भी आप काम कर सकते हो, पर आपका दिल या फिर आपका ब्रेन खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। तो इसलिए बॉडी क्या करती है, हाथ और पैर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड सप्लाई कम कर देती है। जब कम ब्लड जाएगा, तो वहां से हीट भी कम लॉस होगी। तो उसके बाद में आपका क्या करना है, बेटा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करो, क्वालिटी बढ़ा लो अपनी वीडियो की, और हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, मैं कल देखूंगा। तो इसके बाद में आपका क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर कम था, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, हाइपोथैलेमस को बोला, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, आपके इफेक्टर को बोला, इफेक्टर ने क्या किया, कई सारे मैकेनिज्म स्टार्ट करके बॉडी टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया, बॉडी टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया। जब जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो एक सिग्नल तुम्हारे कहाँ जाएगा, डिटेक्टर तक, इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिशन सिग्नल। फिर क्या बोलेंगे, इनहिबिशन मतलब, इनहिबिशन मतलब होता है कि अब कम कर दो, निगेटिव एक सिग्नल जाएगा कि अब बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया है, नॉर्मल आ चुका है। अब आप हाइपोथैलेमस को बोलो ज्यादा कपकपी ना लगाए, और ब्लड सप्लाई प्रॉपर शरीर में पूरे पार्ट्स में, हाथ और पैर में भी भेज दे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या आ चुका है, नॉर्मल हो चुका है। लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है कि आपका बॉडी से कोई भी टेम्परेचर का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर का लॉस हो जाएगा, ठंडी ठंडी बाइक से जा रहे इस समय ठंडक के मौसम में, खूब अच्छे से ठंडी ठंडी हवा लगे बॉडी पे, तो क्या होगा, टेम्परेचर लॉस होगा। या फिर आपने अचानक से ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया, तब भी लॉस हो जाएगा। किसी भी वजह से अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर लॉस हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर से बॉडी का टेम्परेचर जो कम था, वो फिर से क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज मतलब कम हो जाएगा। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तो ये एक फिर से एक सिग्नल आपके कहाँ पहुंच जाएगा, डिटेक्टर तक, जो उसका रिसेप्टर है, जो डिटेक्ट कर रहा है कि बॉडी टेम्परेचर को, कौन डिटेक्ट करता है बॉडी टेम्परेचर को, तो नर्व इंडिंग ऑफ हाइपोथैलेमस, नर्व इंडिंग
ऑफ हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस की नर्व एंडिंग होती है वही डिटेक्ट करती है, वो नर्व एंडिंग डिटेक्ट करके आपको हाइपोथैलेमस को बोलती है भाई बॉडी टेम्परेचर फिर से कम हो गया। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर कम होगा हाइपोथैलेमस फिर से इफेक्टर को आदेश देगा, इफेक्टर फिर से तुम्हारे शरीर में कपकपी करेगा और आपको क्या करेगा, ब्लड सप्लाई जो हाथ और पैर की है वो कम कर देगा, जिससे कि बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन का टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके और बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। जैसे ही फिर से बॉडी टेम्परेचर अपने नॉर्मल उसमें आ जाएगा बढ़ करके, ये एक फिर से सिग्नल निगेटिव सिग्नल चला जाएगा डिटेक्टर को कि आप हाइपोथैलेमस को बोलो ठंड वगैरह लगाना कम करें। तो सिंपल सी बात है कि आपका जो है ब्लड है वो आपका क्या कर रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ब्लड्स में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं वो आपकी ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एनाटॉमी में क्या होता है, हम उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं वो सारी चीजें देखते हैं, पर फिजियोलॉजी में क्या देखते हैं कि वो कैसे कम कर रहा है। अब ये मैं डिटेल में बहुत अच्छे से बताऊंगा, जब थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं और भी थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, आज सिर्फ इंट्रो क्लास है। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपके चलता हूँ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पिछले में अगर किसी को डाउट है कुछ तो पूछ लो, मैं फिर से बता सकता हूँ कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, तो यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ लूंगा। शिवानी गुप्ता फिर से रिपीट कर दीजिए। तो बेटा मैं फिर से बता देता हूं आपको कि जो बॉडी होता है आपका बॉडी में अगर कोई भी आप होम्योस्टेसिस पहले देख लो। होम्योस्टेसिस क्या होती है कि किसी भी चीज को बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमारे अंदर की जो भी चीजें हैं, जो केमिकल्स हैं, जो भी चीजें हमारे अंदर की हैं, उनको जो मेंटेन करके रखते हैं प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं होम्योस्टेसिस। बॉडी में हमेशा कुछ कम कुछ ज्यादा होता रहता है, पर उसको एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं होम्योस्टेसिस। एग्जाम्पल मैंने आपका लिया था टेम्परेचर का, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका क्या है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। यदि इससे कम होगा बॉडी टेम्परेचर तब भी हम फीवर बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी फीवर बोलते हैं, और वो दिक्कत ही आपकी बॉडी को कॉज करेगा, कहीं ना कहीं आपके बॉडी को हार्म करेगा, जिससे कि हो सकता है कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, फिर डेथ भी हो सकती है। तो अभी होम्योस्टेसिस क्या करता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है या घट रहा है, चाहे हो टेम्परेचर ले लो या फिर शरीर के किसी भी चीज का, जो भी आपके हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे तब जानोगे। तो होम्योस्टेसिस में क्या होता है, उन चीजों को एक नैरो रेंज, मतलब एक सीमित दायरे में हमेशा मेंटेन करके रखना, एक नॉर्मल रेंज में हमेशा मेंटेन कर रखने की प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस में कैसे कंट्रोल करता है, तो तीन चीजें होती हैं मैंने बताया है कि एक आपका क्या होता है कंट्रोल सेंटर, जो कि उस चीज को क्या करता है कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है कि आपका जैसे कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो कौन कंट्रोल करेगा, आपका कंट्रोल सेंटर। कैसे उसे पता चलता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो कंट्रोल सेंटर्स के पास में रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व एंडिंग होती है, जो ब्रेन के जो नर्व्स होती हैं वो काम में आती हैं रिसेप्टर की तरीके से। तो रिसेप्टर क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि बॉडी टेम्परेचर या फिर कोई भी सही चीज शरीर में कुछ भी हो घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो भी वो अपने कंट्रोल सेंटर को बताएगी कि घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो भी बताएगी कि बॉडी में ये चीज बढ़ रही है। जैसे कंट्रोल सेंटर को पता चलता है कि ये चीज घट रही है या बढ़ रही, वो क्या करती है इफेक्टर को बताती है कि भाई ये चीज बढ़ रही है, अब इस चीज को तुम क्या करो कम कर दो। तो इफेक्टर कोई ना कोई मैकेनिज्म लगा के उस चीज को फिर से कम करने लगता है। जैसे वो नॉर्मल रेंज में आता है तो फिर से रिसेप्टर्स बताता है कंट्रोल सेंटर को अब ये चीज नॉर्मल आ गई, अब इसको और कम करना या फिर और बढ़ाना रोक दो। तो ये सब होता है किसके द्वारा है, तो वो होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में मैंने बताया तुम लोगों को कि जैसे कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया,
बढ़ जाए या फिर बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस समय क्या होता है, तुम्हारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्टर जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स को ही, वो डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर कम हो गया। बॉडी टेम्परेचर कम होते हैं वो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, जो आपका क्या है, कंट्रोल सेंटर है। क्या है? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर को बोलते हैं कि भाई बॉडी टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको कम करो, या फिर कम हो रहा है इसको बढ़ाओ। वो क्या करते हैं, इफेक्टर को आदेश देते हैं। इफेक्टर क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर अगर कम है तो उसको क्या करता है, फिर से बढ़ा देता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आता है, फिर से एक सिग्नल जाता है डिटेक्टर को कि आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ चुका है, अब इसको और बढ़ाना बंद करो। लेकिन इस साथ ही साथ अगर हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर आपका फिर से क्या हो जाए, कम होने लगे, किसी भी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, कम होने लगे, टेम्परेचर लो हो जाए, होने लॉस होने लगे। जैसे कि मैंने बताया ठंडी हवा लगने की वजह से, या फिर आप नहा लें, या फिर बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से लॉस होने लगे, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, फिर से एक सिग्नल किसको जाएगा, आपके डिटेक्टर को, कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हुआ है, इसको फिर से आप बढ़ाओ। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से एक सिग्नल आपका जाएगा इनहिबिशन का, कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, फिर से बढ़ो। तो ये क्या होती है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे इनहिबिशन मतलब होता है कम करना, मतलब निगेटिव, तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक जाती रहती है। जैसे ही कोई चीज नॉर्मल आती है कि अब एक नॉर्मल हो गया, अब कम करो, जैसे ही कोई चीज कम होती है, ज्यादा होती है, तो डिटेक्टर को एक जाता है सिग्नल कि ये चीज आपकी ज्यादा हो गई और अब इसको आप कम कर दो। अब मैंने बात की निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, यहीं पे मैं 1 मिनट में बात कर लेता हूँ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। तो पॉजिटिव फीडबैक निगेटिव में मैंने क्या बताया कि यदि कोई चीज बढ़ी है और उसको क्या करते हैं, आपने कम करके नॉर्मल रेंज में ला दिया, तो वो क्या हो गई, आपकी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, जो कोई चीज बढ़ रही है उसी चीज को और बढ़ाने की क्रिया को, क्या प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है नॉर्मली 100 से ऊपर हो गया, 101 हो गया, और हमारा शरीर क्या करे, उसको और बढ़ा दे, 101 से 102 कर दे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंतर्गत। लेकिन यदि हमारा टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है और उसको क्या किया है अपने, हमारे हाइपोथैलेमस ने उसको कम करके फिर से 100 के अंदर, 100 से कम ला दिया है, तो उस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लेबर। लेबर मतलब जिसको बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम क्या होता है, जब बच्चा डिसेंड कर रहा होता है, बच्चा नीचे जा रहा होता है, डिलीवर हो रहा होता है, उस समय क्या होता है, यूट्रस की जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे मसल्स हैं उस पर क्या है, दबाव डाल रही होती हैं। किस पे, बच्चे के ऊपर, कि उसको सिकुड़ रहे होते, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते कि आप क्या करो और ये बच्चे का आसानी से बाहर जाए, उस दबाव की वजह से, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर हो रही होती है, तो वहां पे एक होता है हार्मोन, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो आपके ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा है, तो उसके बाद में एक फिर ब्रेन क्या करता है, उस कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ा देता है, पहले से बढ़ा हुआ है और बढ़ाता है ताकि आसानी से बच्चा डिलीवर हो सके। तो वो क्या करता है, और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन भी आपकी कहां से रिलीज होती है, तो ऑक्सीटोसिन भी आपकी कहां से रिलीज होती है, हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होती है। आपकी ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होती है, हाइपोथैलेमस से। अगर बेरी बहुत ही करेक्ट वो जानना हो तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से, पोस्टीरियर हाइपो, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर मतलब होता है सामने का पार्ट, एंड पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे का पार्ट। तो जो आपका ऑक्सीटोसिन होती है वो हाइपोथैलेमस के पीछे वाले भाग से सेक्रेट होती है, निकलती है। जैसे किसी का लेबर हो रहा है, उसके यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चा को जन्म देने के लिए, तो उस समय सिग्नल जाता है कि यूट्रस क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या, और आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है, और बढ़ा देता है।
इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि जो चीज बढ़ी है उसी को और बढ़ा देने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और यदि कोई चीज बढ़ी हुई है उसको कम करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहां तक क्लियर है? यहां पे अगर किसी को डाउट हो, अब दोबारा रिपीट भी कर दिया है मैंने, कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक किसी को कोई डाउट? यदि डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां से आपकी मेन एनाटॉमी शुरू होगी। मेन एनाटॉमी आपकी कहां से शुरू होगी? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका बॉडी कैसे बना है, किस चीजों से मिलके बना है। जैसे कोई एक घर होता है, कोई एक घर होता है, वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है, कोई बताएगा? सिंपल सा ऑप्शन है, यदि कोई एक घर है तो वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ होगा? ईंट से। वो बिल्डिंग ब्लॉक उसकी क्या होगी? ईंट होगी। वो ईंटों से मिलकर के बना होगा, ठीक है। हाँ, उसमें सीमेंट, पानी, बालू, मोरंग सब लगता है, लेकिन मेन उसका क्या होता है पार्ट? वो ईंट होता है। बिना ईंट के कोई घर खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो हमारी बॉडी है, बॉडी का भी बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है उसको बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल को ही हिंदी में बोलते हैं कोशिका। सेल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। तो बॉडी जो हमारी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? सेल से। लेकिन सेल्स भी किससे बने होते हैं? जैसे कि प्रोटीन वगैरह से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारी चीजें उसके सेल के अंदर होती हैं, ठीक है। तो हमारा मेन, अगर हम आप स्ट्रक्चर देखें तो एटम से। पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? एटम से, छोटे छोटे परमाणुओं से। परमाणु केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो जो साइंस वाले हैं उनको परमाणु और एटम आसानी समझ में आ जाएगा। तो कई सारे एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मतलब 1, 2, 4, 10, 20 एटम्स मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बना लिया। मॉलिक्यूल आपका क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, लिपिड हो सकता है, फैट हो सकता है, कोई बम वाला भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कहीं फोड़ने ओड़ने के लिए ना बनाना तुम लोग। तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आपके एटम्स क्या करते हैं? आपका मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के आपका क्या बनाते हैं? सेल। कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं? सेल। मैंने जैसे बताया कि सेल्स में क्या होती है, लिपिड होती है। सेल में क्या होता है? लिपिड, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर। सबसे ज्यादा तो उसके अंदर पानी ही होता है। आपके बॉडी के अंदर भी सबसे ज्यादा पानी होता है। कितना होता है? 60% ऑफ टोटल वेट। आपके बॉडी में पानी कितना होता है? 60% ऑफ टोटल वेट। अगर आपका वजन 70 किलो का है तो आप सोच लीजिए आपके शरीर में क्या है, पानी कितना है। तो लगभग वो हमें लगा 28 लीटर के आसपास में आता है। तो सबसे ज्यादा सेल में क्या होता है? पानी। तो सब आप ये क्लियर है कि हमारी बॉडी क्या है, मेनली के किससे मिलकर के बनी होती है? सेल से। हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल सॉरी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपकी क्या होती है? सेल होती है, कोई भी कोशिका होती है। बिना सेल के कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बताया था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी कई सारी सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो बॉडी का मेन आपका पार्ट क्या होता है? सेल। बिना सेल करके इसके बॉडी कोई काम
नहीं कर सकती। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी बॉडी के आपके स्ट्रक्चर हैं वो क्या किससे मिलकर के बने होते हैं, सेल से। और जो जितने भी आपके बॉडी में फंक्शन होते हैं वो भी किससे होते हैं, आपके सेल से। जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शन है आपकी बॉडी के वो सब क्या किससे होते हैं, सेल से। इसलिए सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। डिटेल में इसके बारे में मैं बताऊंगा फिर जब सेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको क्या बताता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन क्या क्या मिलकर के क्या बनाता है। तो फर्स्ट थिंग आपकी क्या मैंने बताई कि कई सारे एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल। कई सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक, ठीक है। जैसे कि एक सेल है, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, 10, 50, 100 सेल मिलकर के कोई एक डिफरेंट टाइप्स का टिश्यू बना ली। अब ये टिश्यू क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि स्टोमक, स्टोमक के बारे में, स्टोमक को हिंदी में पेट बोलते हैं, स्टोमक। तो कई सारे सेल मिलकर के क्या बनाए आपका, टिश्यू। कई सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका एक ऑर्गन। जैसे आप जब स्टोमक को मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में बताऊंगा तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि स्टोमक के अंदर कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होती हैं, उन सेल्स का अलग अलग काम होता है। अब ये स्टोमक में बन गया, मतलब कई सारे टिश्यू मिलकर के क्या बना ले, ऑर्गन। फिर कई सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका एक सिस्टम। क्या बनाते हैं, सिस्टम। सिस्टम क्या किसको बोलते हैं, जैसे कि जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन आए, मोर देन वन ऑर्गन। जिसमें मोर देन वन ऑर्गन आए उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम। जैसे कि आपका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टमक की, तो यहाँ पे हम कौन सा सिस्टम ले लेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं, क्योंकि स्टमक किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपका क्या कराता है स्टमक, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा तो बताऊंगा, तो स्टमक किसका पार्ट है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन, जैसे कि आपका पहला क्या आ गया, मुंह, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या आता है, लंग्स, सॉरी, ओरल कैविटी में आपका टंग होता है, स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। फिर ओरल कैविटी के बाद में ये क्या होता है आपकी, ईसोफेगस, इसको आहार नली भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या आता है आपका, स्टमक मतलब पेट आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में एनस, मतलब आप जो भी खाए हो उसको निकालने के लिए। ये पूरा सिस्टम क्या होता है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो इसी तरह क्या करते हैं कि कई सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। फिर वो कई सारे सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। जैसे आपने अभी मैंने दिखाया सिर्फ एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, रीनल सिस्टम होता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ये सब सिस्टम क्या होते हैं, मिलकर के क्या बनाते हैं आपका, एक बॉडी। तो डायग्राम में देख ले, मैं हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, हो सकता है किसी को डाउट हो रहा हो। तो स्टार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग एटम्स को भूल जाते हैं कि बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। आप लोग रिपीट करेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, इज कॉल्ड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका। तो कोशिका को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के सारे काम यही करती है, और सारे ऑर्गन्स भी क्या किससे बनने होते हैं, सेल से, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, मैनी सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। कई सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू। और फिर मैनी टिश्यू ग्रुप टुगेदर, मैनी टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। कई सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, स्टोमक जिसको पेट बोलते हैं। फिर कई सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं आपका, सिस्टम।
और फिर कई सारे सिस्टम मिलकर के क्या आपकी बनाते हैं, एक बॉडी। कई सारे सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं आपके, एक बॉडी। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, आपकी सेल। शरीर में जितने भी काम होते हैं वो सब सेल होते हैं, यहां तक कि आपकी जो एनर्जी बनती है, एनर्जी भी आपकी कहां पे बनती है, सेल में। सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर क्या होती है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्टली एनर्जी कहां पे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो चाहे एनर्जी को ले लो, चाहे रिस्पायरेशन को ले लो, चाहे कोई एंजाइम बनाना हो, कोई हार्मोन बनाना हो, किसी चीज को कंट्रोल करना हो, सब क्या होता है, सेल से। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू क्या करते हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बनाते हैं। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? अभी जब मैं आपका क्लास लूंगा कल से, तो सबसे पहले मैं आपको बात पढ़ाऊंगा सेल के बारे में, डिटेल में। सेल क्या होती है, उसके क्या काम होते हैं, तब आप लोग, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं मालूम होंगी, वो पहली बार आप लोग जानेंगे कि सेल के बारे में, कि सेल होती क्या है, इसका ये भी काम होता है। सेल के बाद में मैं आपको बताऊंगा टिश्यू के बारे में, टिश्यू के बाद में मैं ऑर्गन के बारे में नहीं बताऊंगा, बस एक सिस्टम पकड़ लूंगा, उस सिस्टम में जितने ऑर्गन आते हैं उन सारे ऑर्गन के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ले लिया, जिसमें हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं, तो पूरा आपका हार्ट कैसे काम करता है, कैसे एनाटॉमी तो बताऊंगा ही कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, साथ साथ फिजियोलॉजी भी, कि वो अगर वो सिकुड़ता है तो कैसे सिकुड़ता है, कुछ तो होता होगा, कोई अपने हाथ से दबा तो नहीं देता है, तो ऑटोमेटिकली वो कैसे सिकुड़ता है, कैसे फूलता है, वो हर चीज आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद सारे सिस्टम मिलकर बॉडी बना ही देंगे। अगर हम लोग सिस्टम देखना चाहें, यहां तक किसी को डाउट है, अगर डाउट हो तो पूछ लो। तो अगर हम सिस्टम देखना चाहें तो कौन कौन से मेन सिस्टम है आपके बॉडी के, तो आपके सिस्टम के बारे में मैं हल्की सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि सेल और टिश्यू, सेल एंड टिश्यू, सेल एंड टिश्यू पढ़ाने के बाद में मैं आपका कहां से स्टार्ट करूंगा, सिस्टम से, कि कितने आपके बॉडी के सिस्टम है और हर एक सिस्टम का क्या काम होता है। क्लियर है? तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि बॉडी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहला हमारा देख लीजिए है स्केलेटल सिस्टम। कौन सा है, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है आपका, जो आपकी हड्डियां, जितने भी आपके शरीर की हड्डियां हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, स्केलेटल सिस्टम। मतलब स्केलेटल सिस्टम मतलब आपके शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनका जो काम होता है, जो उनकी बनावट होती है, कैसे हो, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हड्डियों के अंदर भी ब्लड सप्लाई होती है, हर एक हड्डी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है। आप बाहर से हड्डी देखे हुए सोचे होंगे कि ये तो पूरी आपकी कैल्शियम की बनी हुई है हड्डी, इसमें कहाँ से कोई ब्लड सप्लाई अंदर जाएगी, लेकिन हर एक हड्डी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, वो चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। दूसरा है आपका मस्कुलर सिस्टम, आपके शरीर की मसल्स, ठीक है। तो कहाँ कौन कौन सी मसल्स होती हैं, उनका काम क्या क्या होता है, उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा। थर्ड थिंग आपका आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या आता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। मतलब आपका हार्ट कैसे काम करता है और सारी शरीर की ब्लड वेसल्स कैसे ब्लड को लेकर जाते हैं, कैसे सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं, कैसे बीपी मेंटेन करते हैं, कौन शरीर में, जैसे मैंने अभी डिटेक्टर बताया था, डिटेक्टर, जैसे मैंने अभी डिटेक्टर बताया था, डिटेक्टर क्या होता है, किसी चीज को मापता है कि कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है। तो आपका शरीर का बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर आपका हार्ट रेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा हो, तो उसको कौन चेक करता है, बीपी के लिए ही चेक करता है बैरोरिसेप्टर। मैं बता दूं, बैरोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि बीपी को चेक करते हैं। क्या होते हैं,
बैरो रिसेप्टर, क्लियर। तो बैरोसेप्टर्स जो होते हैं, याद रखना, आप मैं डिटेल में बताऊंगा बैरोसेप्टर्स होते भी क्या है। तो बैरोसेप्टर्स क्या होते हैं, बीपी को चेक करते हैं कि बीपी बढ़ा है या घटा है। बढ़ा है तो आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं बढ़ा है, इसको कम करो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद में है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, कि खाना जो है वो कैसे पचता है, या फिर खाना जो आता है पचता है, पचने के बाद उसका फिर कैसे एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो कैसे शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट आपका आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, आपका किडनी आती है और आपका यूरेथ्रा आता है। तो किडनी क्या करती है, पूरे ब्लड को फिल्टर करती है और जो भी वेस्ट है, जो कुछ भी वेस्ट होता है उसको क्या करती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। फिर है नर्वस सिस्टम, यही सबसे आपके इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो दोबारा से ये सही नहीं हो पाता है उतना अच्छे से। अगर एक कोई नर्व परमानेंट डैमेज हो गई तो ना तो वो दोबारा कभी बनेगी और ना ही दोबारा कभी जुड़ेगी। अगर आपने नर्व को एक बार काट दिया तो दोबारा कभी नहीं जुड़ सकती, कोई उसको नहीं जोड़ सकता, अभी तक की साइंस में कोई नहीं जोड़ सकता, आगे का मैं नहीं बता सकता। तो इसमें आपके कितने पूरा नर्वस सिस्टम आएगा, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा। सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल में जो आपके शरीर के अंदर जितनी भी ये नर्व्स दिख रही हैं वो सब क्या क्या किस में आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसके बाद में आपका आता है एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरह होता है थोड़ा सा। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड जाता है वो ब्लड पूरा वापस होकर के टिश्यू से नहीं जा पाता है हार्ट तक, कुछ ना कुछ वहां रह जाता है। उस ब्लड को, उस जो फ्लूइड को है, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा वापस फिर से आपके बॉडी के अंदर लाया जाता है। ये एक नई चीज आप सुन रहे होंगे कि जो ब्लड वेसल्स से आपका ब्लड या फिर प्लाज्मा निकल जाता है टिश्यू में, वो पूरा वापस नहीं हो पाता है आपकी वेन्स के द्वारा, कुछ मात्रा में वहां छूट जाता है। तो जो छूट जाता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा फिर से आपके हार्ट तक लाया जाता है। अगर आपके लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी दिक्कत आ गई, कहीं भी ब्लॉकेज आ गया, तो जिस एरिया में ब्लॉकेज आ जाएगा उस एरिया में क्या होगी, सूजन आएगी। एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं मैं, फाइलेरिया का। फाइलेरिया, फाइलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है, बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब डिटेल, और फाइलेरिया में क्या होता है, आपका एक जो आपकी ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं ब्लॉक हो जाती हैं। अब चाहे वो पैर की हो, हाथ की हो, कहीं भी, जहाँ की लिम्फेटिक ब्लड, जहाँ की लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, उस एरिया में जो फ्लूड है, जो एक्स्ट्रा फ्लूड है, वो वापस नहीं जा पाता है, इसलिए वहां पे सूजन आने लगती, जिसको हम हाथी पांव भी बोलते हैं। इसके बाद में आपका मैं बात करूंगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो आपके हार्मोन सेक्रेट्स होते हैं जितने भी, वो कहाँ से सेक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली दो चीजें आती हैं आपकी। एंडोक्राइन सिस्टम में आपका क्या होता है, ग्लैंड्स आती हैं। ग्लैंड्स, ग्लैंड को बोलते हैं हम ग्रंथियां। ग्लैंड्स टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन तो एंडोक्राइन का पूरा पूरा एक सिस्टम ही अलग है, और जो एक्सोक्राइन है वो आप जैसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, अलग अलग जो सिस्टम पढ़ेंगे, और या फिर जो भी सिस्टम, वहां पे आपको हर सिस्टम में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि उसका अलग से एक सिस्टम ही बना करके दिखाया गया। तो ये होती क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बोलते हैं हम लोग डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस। और एक्सोक्राइन क्या होती है, विद डक्ट्स, विद डक्ट, ठीक है। विद, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, वो ग्लैंड्स जिनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती, मतलब कोई भी नली नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी हार्मोन बनाती हैं वो सीधा ब्लड में छोड़ देती हैं। तो इसको क्यों, क्यों इसमें कोई नली नहीं होती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें क्या होती है, एक छोटी सी नली होती है, जिससे कि उसको वो क्या करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं उनको उसी जगह छोड़ती है जहां उसको जाना होता है, पूरे शरीर में नहीं छोड़ती है।
तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो ब्लड में छोड़ती है, ब्लड पूरे शरीर में जाता है, तो इसलिए वो हार्मोन्स क्या होता है पूरे शरीर में पहुंच जाता है। पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, वो स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए बनी होती है, कि इनका काम वहीं पे होता है। तो उसमें एक छोटी सी नली लगी होती है जिसको डक्ट बोलते हैं, तो उस नली से उस चीज को वहां पे छोड़ देती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्वेट ग्लैंड का, जिस क्या बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली जो ग्रंथियां होती है जिससे पसीना निकलती है, उसमें एक नली होती है वो क्या करती है पसीनों को शरीर से बाहर निकाल देती है। या फिर हम एग्जाम्पल ले लें पैनक्रियाज का, तो पैनक्रियाज का क्या होता है जिसको हम आमाशय बोलते हैं हिंदी में, वो जितना आपका आमाशय रस होता है पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है डियोडिनम में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है, वो वहीं पे रुक जाता है, उसके आगे कहीं नहीं जाता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, वो अपना जो हार्मोन्स हैं वो क्या करती हैं ब्लड में छोड़ती हैं, इसलिए उनको वो क्या करते हैं पूरे ब्लड में मतलब जहां जहां ब्लड जाएगा बॉडी में वहां वहां वो हार्मोन्स जाएंगे। अगर आपको कोई पूछता है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या अंतर है, तो सिंपल से बता दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, मतलब इनमें कोई डक्ट नहीं होती है, और एक्सोक्राइन में डक्ट होती है। एंडोक्राइन्स क्या होती है, अपना जो एंडोक्राइन्स होती है वो क्या बनाती है हार्मोन बनाती हैं, और जो एक्सोक्राइन होती है वो एंजाइम बनाती हैं। एंजाइम ठीक है, तो एंडोक्राइन हार्मोन बनाती है, एक्सोक्राइन क्या करती है एंजाइम बनाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, जो हार्मोन बनाती है उसको ब्लड में छोड़ देती हैं, और जो एक्सोक्राइन्स हैं वो जो हार्मोन बनाती हैं उसको क्या करती हैं आपके टारगेट एरिया में जहां के लिए बना रहे हैं जो एंजाइम्स उनको वहीं छोड़ती हैं। इसके बाद में आता है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे सांस लेने के काम में आता है ठीक है, जिससे कि हम ऑक्सीजन जो होती है हमारी डिमांड उसको हम शरीर के ब्लड तक पहुंचाते हैं, और जो ब्लड में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल्स में बन रही है उसको क्या करते हैं शरीर से बाहर ले जाने के काम में यूज करते हैं। तो ये आपका सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कितने सिस्टम होते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या एनाटॉमी होती है, होम्योस्टेसिस क्या होती है, होम्योस्टेसिस कभी ना बोलना, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा तुम्हारी बॉडी की हर चीज मैनेज होती है वो कभी ना बोलना। आगे डिटेल में मैं बताऊंगा, जो इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें तो पूरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही भरा पड़ा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, यदि किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, डाउट नहीं है तो मैं सेशन को एंड करूंगा। और जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो कल मैं पढ़ाऊंगा सेल के बारे में, सेल के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा जो चीजें आप लोगों को हो सकता ना मालूम हो और कुछ लोगों को हो सकता मालूम भी हो। उसके बाद में टिश्यू, टिश्यू पढ़ाने के बाद में मैं आपका सीधा सीधा एक सिस्टम पकड़ लूंगा, जैसे कि कोई भी एक सिस्टम जो आपके ये सिस्टम्स दिए हुए हैं ये सारे सिस्टम मुझे खत्म करने हैं, और वो भी डिटेल्स में। तो आज के लिए इतना ही, यदि किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। एक बच्ची हमसे पूछ रही है माइटोकॉन्ड्रिया के कितने पार्ट हैं, कौन पूछ रहा है लक्ष्मी, तो आपका बेटा मैं बता दूं, वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका स्ट्रक्चर पहले बना लेता हूं, आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है ठीक है, इसमें क्या होता है इसके अंदर एक फोल्ड होते हैं, फोल्डेड होती है, जब मैं सेल पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा ठीक है, और इसके ऊपर आपके क्या होते हैं क्रिस्टे होते हैं, तो पार्ट नहीं जाएंगे इसके अलग अलग चीजें होते हैं, और जो आपका रेस्पायरेशन होता है या फिर जो आपका एनर्जी बनती है वो आपके कहाँ पे होते हैं क्रिस्टे पे बनती है ठीक है इस फोर्स। और जब मैं अभी आपको सेल पढ़ाऊंगा तो माइटोकॉन्ड्रिया पूरा डिटेल में बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं, और इसमें जो आपका ऑक्सीजन का यूज होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है और कहीं नहीं यूज होता है ऑक्सीजन का। और किसी को कोई डाउट है मैं सेल्स को जब बताऊंगा डिटेल में तो अच्छे से बताऊंगा तुम लोगों को हर चीज। किसी का और कोई डाउट ना हो तो फिर सेशन को मैं एंड कर देता हूं। कोई डाउट है किसी का?
चलिए फिर आज के लिए सेशन यहीं तक रखते हैं, और फिर हम लोग कल बात करेंगे सेल के बारे में।